तो दोस्तों आईपीएल 2024 शुरू होने में थोड़े दिन ही बाकी है, लेकिन दोस्तों कई सारी अपडेट ऐसी है आईपीएल की जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जहां पर दोस्तों आरसीबी की जो कुछ अपडेट है, इसके बाद मुंबई इंडियंस की भी अपडेट है और आईपीएल में एक नया नियम भी आने वाला है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों आप आईपीएल के बहुत बड़े फैन हो और आप शुरुआत से लेकर अभी तक देख रहे हो आईपीएल, तो आपके लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज है, तो वह कौन सी है इसके बारे में आगे बात करेंगे, तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना। तो सबसे पहली अपडेट की बात करें तो कल यानी कि दोस्तों आरसीबी ने अनबॉक्सिंग इवेंट किया था। तो हमने बताया था कि 19 मार्च को अनबॉक्सिंग इवेंट होने वाला है आरसीबी का, और दोस्तों वही हुआ था। दोस्तों आरसीबी के इवेंट में जो कि कई सारे बदलाव हमें देखने को मिले थे, आरसीबी का लोगो अब बदल गया है। आरसीबी के लोगो की बात करें तो आरसीबी का लोगो कुछ इस तरह दिखता है, पहले जो कि इस तरह दिखता था। दोस्तों अब बात करते हैं आरसीबी के लोगो में क्या चेंज हुआ है। आरसीबी का लोगो अच्छे से डिजाइन किया गया है, और दोस्तों बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहले था, लेकिन अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो चुका है। तो दूसरे चेंज की बात करें तो आरसीबी की जर्सी इवेंट के थोड़े घंटे पहले ही लीक हो गई थी, लेकिन दोस्तों बात करें तो आरसीबी की जर्सी जो कि काफी अच्छी दिख रही है, आरसीबी की जर्सी काफी अच्छे से यहां पर डिजाइन की गई है, और दोस्तों इसमें काफी चेंज भी हमें देखने को मिले थे। पिछले साल की जो जर्सी थी इसमें ब्लैक और रेड दोनों का कॉम्बिनेशन था, लेकिन ब्लू और रेड का यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट की, दूसरी अपडेट जो कि मुंबई इंडियंस को लेकर सामने आ रही है, जहां पर मुंबई इंडियंस को एक सबसे बड़ा झटका लग रहा है। कल सूर्य कुमार यादव का एमसीए ने फिटनेस टेस्ट भी लिया था, जो कि फिटनेस टेस्ट में सूर्य कुमार यादव फेल हो गए हैं, उसकी वजह से उन्होंने इंस्टाग्राम पर कल हार्ट ब्रेक का स्टोरी भी रखा था। और दोस्तों सूर्य कुमार यादव लगभग पहला मैच मिस कर सकते हैं। बीसीसीआई ये चाहती है कि सूर्य कुमार यादव फुल्ली फिट हो जाए तभी वो खेले, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। एनसीए में फिर से जो फिटनेस टेस्ट होने वाला है वो 21 मार्च को होने वाला है, लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य कुमार यादव पहली मैच मिस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मुंबई इंडियंस को काफी बड़ा झटका लगा है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद तीसरी अपडेट की बात करें तो तीसरी अपडेट है वो है आईपीएल को लेकर। आईपीएल के फैंस के लिए यह सबसे बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों साल 2008 से लेकर 2014 तक हिंदी कमेंट्री में एक नाम सुना होगा, और वो था नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि हिंदी कमेंट्री काफी बेहतरीन करते थे, लेकिन दोस्तों उन्होंने साल 2014 से लेकर 2024 तक उन्होंने कोई भी कमेंट्री नहीं की थी, क्योंकि वो राजनीति से जुड़े हुए थे। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आईपीएल 2024 में नवजोत सिंह सिद्धू हिंदी कमेंट्री करते हुए देखने को मिलने वाले है। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि वो जब कमेंट्री करते थे तो एक दिन के वो 25 लाख रुपए चार्ज करते थे कमेंट्री के। हिंदी कमेंट्री सुनते होगे तो आपने देखा होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कैसी कमेंट्री करते हैं। कमेंट्री करनी छोड़ी तब आकाश चोपड़ा कमेंट्री में आए थे। आप सभी को यही लगता होगा कि आकाश चोपड़ा ही बेहतरीन कमेंट्री करते हैं, लेकिन दोस्तों आपने अगर नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री सुनी होती आपको अच्छे से पता होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कैसी कमेंट्री करते हैं। तो दोस्तों इस बार अगर किसी ने नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री नहीं सुनी है अभी तक, तो वो आईपीएल 2024 में आप सुन सकते हो, और फिर मुझे कहना कि आकाश चोपड़ा और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों में से कौन सा कमेंटेटर काफी अच्छी हिंदी कमेंट्री करता है। तो दोस्तों चौथी अपडेट आईपीएल को लेकर है, जो कि एक नया नियम लागू होने जा रहा है, और दोस्तों ऐसा कह सकते हैं नियम तो नहीं लेकिन एक सिस्टम जो कि एक नई लाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों अगर बात करें तो आपने देखा होगा द 100 में जैसे अंपायर डायरेक्ट कैमरामैन से बात करते हैं, वैसे ही यहां पर जो कि यह नियम लागू होने वाला है, यही सिस्टम जो कि इस बार आईपीएल 2024 में हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसका नाम जो कि स्मार्ट रिप्ले सिस्टम नाम दिया गया है। इसकी खासियत यह है कि अंपायर जैसे पहले रिव्यू लेने के बाद वो डायरेक्ट फोर्थ एम्पायर से बात करते थे कि कैसे कैसे निर्णय लिया जाए, यह सिस्टम को जो कि अपडेट किया गया है, और यहाँ पर जो कि डायरेक्ट अंपायर जो कि कैमरामैन से ही बात कर पाएंगे, यानी कि दोस्तों जो कैमरास को ऑपरेट करते हैं उनसे ही यह अंपायर बात कर पाएंगे। दोस्तों यह निर्णय इसके लिए लिया गया है कि कोई भी अगर रिव्यू लेता है तो उसका जो निर्णय है वो तेजी से लिया जाए, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर स्मार्ट रिप्ले सिस्टम को यहाँ पर यूज किया गया है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पर जो कि स्मार्ट रिप्ले सिस्टम यहाँ पर आईपीएल 2024 में पहली बार देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों पांचवी अपडेट जो कि दो तरीके से है, जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स के जो नए कप्तान है वो ऋषभ पंत ही होने वाले हैं, यानी कि दोस्तों एनसीए ने फिट जाहिर कर दिया है, इसके लिए दोस्तों यहां पर ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इस आईपीएल में विकेट कीपिंग नहीं करने वाले हैं, इसके लिए दोस्तों यहां पर जो कि विकेट कीपर कोई और होगा, लेकिन वो कप्तानी और बल्लेबाजी ऋषभ पंत करते हुए नजर आएंगे। दूसरी अपडेट ऐसी है कि 21 मार्च को जैसे आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में सभी कप्तान अहमदाबाद में मिले थे और उन्होंने फोटोशूट कराया था, सभी कप्तान
प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को भी मिले थे। और दोस्तों वैसे ही अब आईपीएल 2024 में वैसा ही हमें देखने को मिलने वाला है। आईपीएल 2024 के जो शुरुआती यानी कि दोस्तों आईपीएल 2024 से पहले 21 मार्च को चेन्नई में सभी कप्तान मिलने वाले हैं और फोटोशूट करवाएंगे और इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी रिपोर्टर्स के जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा।